आज हम जा पहुंचे चंबल के बियाबांग जंगल में और वहां पर एकदम से खचाखच पौधे अड़े हुए और तमाम परिंदे उसमें अपनी मनमोहक आवाज से हमको मोहित करते हुए, और इसमें आप आवाज सुन पा रहे होंगे रेड बैटेड बुलबुल, और ये देखिए ऊपर से एक पैरट का फ्लॉक उड़ता हुआ, ये देखिए, और इसके अलावा फीजेंट क्वेल्स माने तीतर और बटेर जंगल में पर्याप्त संख्या में। और खासियत ये है इस वर्ष हिंस के जो पौधे हैं उनकी ग्रीनरी देखने लायक बन रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। शाम का समय सूर्यास्त भी अस्त होने वाला है, और यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत ग्रीनरी। इसमें ये केसिया का पौधा है जिसमें पीले कलर के फ्लावर्स होते हैं, और ये देखिए एक लाफिंग डब बैठा हुआ, और तमाम जंगली जानवरों के आशियाने भी यहाँ पर हैं, जैसे आपकी पेंगोलिन, परकुपाइन। अगले वीडियो में हम आपको परकुपाइन और पेंगोलिन के बरो दिखाएंगे, किस तरीके से किस प्रकार की मिट्टी में सेही और मेनिस यानी इसके लिए आंटीटर अपने बरो बनाते हैं, और इनमें इनलेट कई आउटलेट भी होते हैं, और साथ ही साथ बिलायती चूहे का भी आवास बताएंगे। और हाल फिलहाल ये देखिए एग केस प्रेइंग मेंटिस का करील के ऊपर लगा हुआ, और एडवर्स कंडीशन में इसमें उसके एग सेफ रहते हैं, और जब पर्याप्त एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं तो उनसे छोटे छोटे निम्फ निकल आते हैं, और वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ग्रोथ करके एडल्ट स्टेज को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सिल्ट है, सिल्टेशन हुआ है, लगातार इसकी टोपोग्राफी चेंज होती रहती है फॉरेस्ट में। और खासियत ये है कि इस वर्ष ये डाब घास बहुत ज़्यादा है, इससे निकलना भी बहुत दूभर हो रहा है, सारे पैर और हाथ चिर गए हैं। और यहाँ पर अगर हम वेजिटेशंस की बात करें तो इसमें डाब घास डोमिनेंटली है, और बड़े पौधों में बात करें तो ये देखिए देशी बिलायती बबूल जिसको जूली फ्लोरा कहते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, और पंजे वाले जानवरों के लिए मूवमेंट में ये कांटे बाधक होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये हिंगोट है, और पहले जब आज के लगभग 50 साल 60 साल पहले साबुन जब कम था तो लोग इनकी गुठली के मध्य का जो यानी फल मध्य भित्ति का जो मांसल गूदा होता था उसको साबुन के रूप में यूज करते थे, कपड़ों में डाल देते थे और उनसे क्लॉथ साफ होते हैं। यहाँ पर ये देखिए चौपिया लोगों ने एक सुंदर सी जगह दोपहर में धूप से बचने के लिए बनाई है, ये देखिए, और यहाँ पर वो अपना डे मिड टाइम हल्ट करते हैं और बैठते हैं, काफ़ी साफ बना रखा है ये देखिए यहाँ पर। और शीशम के भी पौधे हैं, ये देखिए पीछे जो दूर आप देख रहे हैं ये पीले कलर का, ये केसिया का पौधा, शीशम का पौधा, रौंज, हींस, डाब घास, दूब घास, डबकुशी, और ये देखिए तीतर बोलते हुए, और दूर में अगर आप देखेंगे तो ये दूर सरकंडा खड़ा हुआ है जिसे सैकेरम मुंजा कहते हैं, और उसकी रूप बनती है। बिलायती भी वहाँ पर एक खड़ा है बड़ा सा, और जहाँ पर ये सरकंडा है वहाँ पर आज से लगभग 2 साल पहले पाइथन का निच था, एक जोड़ी पाइथन मेल और फीमेल वहाँ कॉन्टिन्यूसली वॉस्किंग स्टेज में देखने को मिली थी,
वो लगभग 3 से 4 महीने वहाँ पाइथन रुके थे। और ये देखते चलें आप, खूबसूरत बिहड़। आप भी कभी मौका लगे चंबल के बिहड़ों में ज़रूर जाएं और देखें किस तरीके की वहाँ इकोलॉजी टोपोलॉजी है, और बहुत ही शानदार मनमोहक दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये ऊंची ऊंची करार और उनके ढलानों पर पौधे, श्रब्स, हर्ब ट्री, और ये देखिए सूखी शीशम भी एक है, और एक और ये शीशम का पौधा सूखा हुआ। मेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में यहाँ बहुत मोटे मोटे शीशम के वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन बदलती इन्वायरमेंटल कंडीशंस और पॉल्यूशन के कारण वो एक कर एक सब पौधे सूख गए, तो बहुत कम हरे पौधे हैं उनके बड़े वाले। लेकिन देशी बबूल, हींस, डाब घास ये काफ़ी मात्रा में है, और इससे बेहड़ की खूबसूरती बनी है। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है डिस्कवरी ऑफ वाइल्ड नेचर। और इसी बीच में ये देखिए हींस के ऊपर एक बुलबुल बैठी हुई, रेड वेटेड बुलबुल, ये देखिए। और दूर देखेंगे तो एक रोबिन ये बैठा हुआ। तो यहाँ बर्ड्स की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, यद्यपि मैं काफ़ी ऊंचे पर हैं तो पास से फोटो लेना दैट्स रियली वेरी टफ जॉब, बट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सपोज वेरी क्लियर वीडियो फॉर यू।